Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Privy College, University of Allahabad. And today I am going to discuss a new topic under the theme of qualitative research methodology, that is content analysis. Content analysis is mainly used in qualitative researches, while it is also used in quantitative researches too. So let's discuss what is content analysis. The lecture will be in bilingual mode and will be very useful for various competitive teaching examinations as well as your MA and MEd course and your research purposes too. Okay, so let's start. Content analysis. Vishay vastu ka vishleshan. Content analysis shabd hum log kai baar in general istemal kar lete hain bajaye jaane iske ki actually ye hai kya. तो क्या है कंटेंट एनालिसिस? नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमारे पास कोई कंटेंट है और उसकी हमको एनालिसिस करनी है. तो कैसे की जाती है कंटेंट की एनालिसिस, क्या जरूरत पड़ती है इसकी, क्या हमको ध्यान में रखना होता है कंटेंट एनालिसिस करने के लिए, क्या तरीके हैं इसके. इट इज एन अप्रोच यूज्ड टू क्वांटिफाई क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन बाय सॉर्टिंग डेटा एंड कंपेयरिंग डिफरेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू समराइज इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. मतलब ये एक ऐसा उपागम है जिससे हमको जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा डेटा है, बहुत सारा कंटेंट है हमारे पास, उसको हम क्वांटिफाई कर पाए, यानी कि उसको अंक दे पाए बाय सॉर्टिंग डेटा. यानी कि डेटा को हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा और समराइज करना पड़ेगा उसमें ऐसी जानकारी के लिए जो यूजफुल हो. सारी जानकारी हमारे लिए यूजफुल नहीं होती है. द कंटेंट कैन वेरी. कंटेंट में क्या क्या आ सकता है? सिंपल वर्ड्स हो सकते हैं, शब्द हो सकता है, कोई टेक्स्ट मटेरियल हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया डेटा हो सकता है, बुक हो सकती है, जर्नल हो सकता है, वेबसाइट हो सकता है. एनीथिंग कैन बी कम अंडर कंटेंट एंड वी कैन एनालाइज इट फॉर अवर रिसर्च पर्पजेज. कंटेंट एनालिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसर्च. दूसरी रिसर्च से ये डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है, कैसे ये अलग है? एज इट डज नॉट कलेक्ट डेटा फ्रॉम पीपल डायरेक्टली. देखिए, यहाँ पर हम लोगों से डेटा कलेक्ट करने नहीं जा रहे हैं. एक्चुअली हमारे पास डेटा पहले से बुक के फॉर्म में, जर्नल के फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में, सोशल मीडिया के फॉर्म में, हमको सिर्फ और सिर्फ उसकी एनालिसिस करनी है. इसलिए हमको इसमें रिसर्चर बायस वाली चीज से बच जाते हैं. इंस्टेड इट इज द स्टडी ऑफ डेटा इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड. है ना, हमारे पास पहले से रिकॉर्डेड डेटा है, उसको हमको एनालिसिस करनी है. कंटेंट एनालिसिस इज अ रिसर्च टूल यूज्ड टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स, थीम्स और कॉन्सेप्ट्स विद इन सम गिवन क्वालिटेटिव डेटा. मतलब ये एक ऐसा रिसर्च टूल है जिससे हम ये जान सकते हैं कि कोई हमारे पास कंटेंट है, उसमें कोई वर्ड, थीम, कोई कंसेप्ट कैसे आया है, कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं उसकी प्रेजेंस को. Using content analysis, researchers can quantify and analyze the presence, meanings and relationships of certain words, themes or concepts. और content analysis का इस्तेमाल करते हुए, विषय वस्तु विश्लेषण का इस्तेमाल करते हुए researcher क्या कर सकता है कि हमको कोई content है, उसमें कौन से words हैं, क्या theme है, क्या concept है, उसके अर्थ क्या है, उनके आपस में interrelationship क्या है, उनकी presence के क्या मायने हैं, इसका विश्लेषण ही content analysis कहलाता है. अच्छा, इसकी हिस्ट्री वाला पार्ट इसमें नहीं डाला है मैंने. मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हुआ कि हम कोई डेटा है, कोई न्यूज़पेपर में है, तो हमको सिर्फ ये जानना था कि वो एक पर्टिकुलर शब्द कितनी बार आया है. करते 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 ये आज इस रूप में पहुंच गया है जिसको कि हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं. तो सिर्फ ये वो नहीं है. एक्चुअली जनरली लोग इसको सिर्फ ये मान लेते हैं कि हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखनी है कि कौन सा शब्द. मान लीजिए कि हम दलित पर हमारी रिसर्च है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि सप्रेशन कितनी बार आया है. तो सिर्फ आने के मायने नहीं है, हमको रीड विद इन द लाइन्स भी पढ़ना है, बिटवीन द लाइन्स भी पढ़ना है, जो नहीं लिखा है वो भी पढ़ना है, वो जो आया है उसका जो कंटेंट में वो शब्द, हम जो भी थीम सर्च कर रहे हैं, जो कंसेप्ट सर्च कर रहे हैं, उसके और भी क्या मायने, मतलब उनका इंटर रिलेशनशिप भी देखना है. तो आगे आप समझ जाएंगे इसको टाइप्स में. डेफिनेशन के थ्रू अगर इसको समझने की कोशिश करें तो क्या है कंटेंट एनालिसिस? एनी टेक्निक, कोई भी ऐसी प्रविधि फॉर मेकिंग इन्फरेंसेज, जिससे हम कोई इन्फरेंस ड्रॉ कर सकें बाई सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाइंग स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेजेस. हमारे पास कोई मैसेज है, उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको अगर हम सिस्टमेटिकली और ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करके कुछ इन्फरेंस निकाल सकें, वही कंटेंट एनालिसिस है. फिर एन इंटरप्रेटिव एंड नेचुरलिस्टिक अप्रोच है. इट इज बोथ ऑब्जर्वेशनल एंड नैरेटिव इन नेचर है एंड रिलाइज लेस ऑन द एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स नॉर्मली एसोसिएटेड विद साइंटिफिक रिसर्च. यानी कि साइंटिफिक रिसर्च या एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स इसका कम लेना देना है और ये नेचुरलिस्टिक और इंटरप्रेटिव अप्रोच होती है. और क्या है? अ रिसर्च टेक्निक फॉर द ऑब्जेक्टिव सिस्टमैटिक एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन. हमको संवाद का कोई कंटेंट मिला हुआ है, उसका हमको क्वांटिटेटिव सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन देना है.
कर्लिंगर इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एज अ मेथड ऑफ स्टडीइंग एंड एनालाइजिंग कम्युनिकेशन, यानी कि हमको कम्युनिकेशन की स्टडी करनी है, हमारे पास कोई संवाद का कोई भी जरिया है वो कंटेंट के फॉर्म में है, उसको हमको पढ़ना है, अध्ययन करना है, विश्लेषण करना है, किस तरीके से वो सिस्टमैटिक हो, वो ऑब्जेक्टिव हो, क्वांटिटेटिव हो, जिससे कि हम वेरिएबल्स को मेजर कर सकें। ये तो हुआ कंटेंट एनालिसिस। टाइप्स इसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली दो टाइप हैं और जगह आप सर्च करेंगे तो और भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यही आप जाने तो मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। कंसेप्चुअल एनालिसिस और रिलेशनल एनालिसिस। रिलेशनल आगे पढ़ेंगे। कंसेप्चुअल एनालिसिस क्या कहती है कि टिपिकली पीपल थिंक ऑफ कंसेप्चुअल एनालिसिस व्हेन दे थिंक ऑफ कंटेंट एनालिसिस, यानी कि ये इतना इसका प्रोमिनेंट पार्ट है कि अगर हम कंटेंट एनालिसिस के बारे में सोचते हैं तो कंसेप्चुअल एनालिसिस ही हमारे दिमाग में आती है। क्या है इसमें, हमको इसमें फ्रीक्वेंसी ही देखनी है कि पर्टिकुलर थीम, पर्टिकुलर वर्ड, पर्टिकुलर कंसेप्ट कितनी बार आया है। इन कंसेप्चुअल एनालिसिस अ कंसेप्ट इज चूजन फॉर एग्जामिनेशन एंड द एनालिसिस इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग एंड काउंटिंग इट्स प्रेजेंस। मतलब इसमें क्या करना है, हमको कोई भी कंसेप्ट हमने चूज कर लिया और उसको हमको देखना है कि कितनी बार इसकी प्रेजेंस आई, गणना करनी है। The main goal is to examine the occurrence of selected terms in the data. तो एक ही नहीं होंगे, ऐसे कई सारे terms होंगे, तो हमको ये देखना है कि selected terms data में कितनी बार आया। Terms में भी explicit और implicit, explicit भी हो सकता है और implicit भी हो सकता है। Explicit का मतलब कि वो easy है identify करने के लिए, हमको सिर्फ गिनना है, लेकिन coding of implicit terms is more complicated. You need to decide the level of implication and based judgments on subjectivity. इसमें आपकी subjectivity आ जाएगी, वही जो read between the lines थी, within the lines थी, उसका मतलब है, उससे मतलब है। Therefore, coding of implicit terms involves using a dictionary or contextual translation rules or both. तो explicit वाला mainly easy पड़ता है, ठीक है, मतलब जो अव्यक्त है, जो साफ साफ बता रहा है कि हाँ हम इतनी बार आए हैं, तो उसको हमको फ्रीक्वेंसी उसकी गिननी है, गणना करनी है कितनी बार आया। ये तो कंसेप्चुअल एनालिसिस हो जाएगी। इसके भी स्टेप्स हैं, कैसे करते हैं, जनरल स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग कंसेप्चुअल एनालिसिस। डिसाइड द लेवल ऑफ एनालिसिस, हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा पहले कि हमको एनालिसिस किस लेवल पे करनी है, वर्ड सेंस, फ्रेज, सेंटेंस, थीम्स, किसकी काउंटिंग करनी है। फिर डिसाइड हाउ मेनी कंसेप्ट्स टू कोट फॉर, ये भी हमको देखना है कि वो कितने कंसेप्ट हैं जिनकी कोटिंग करनी है। डेवलप अ प्री डिफाइंड और इंटरैक्टिव सेट ऑफ कैटेगरीज और कंसेप्ट्स, या तो पहले से हम तय कर लेंगे हाँ ये शब्द हैं जो हमको ढूंढना है, या हम जब ढूंढ रहे हों तो उस क्रम में हमको और मिल जाएंगे। डिसाइड वेदर टू कोट फॉर द एग्जिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैंसर ऑफ ए कंसेप्ट, हमको ये डिसाइड करना होगा क्या हमको उसको देखना है कि कितनी बार आया है या उसके एग्जिस्टेंस से मतलब है बस। डिसाइड ऑन हाउ यू विल डिस्टिंग्विश अमंग कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है उनके बीच में अंतर कैसे डिस्कस किया जाएगा। डेवलप रूल्स फॉर कोडिंग योर टेक्स्ट, किस हिसाब से कोडिंग चल रही है इसका भी रूल बनाना पड़ेगा पहले। डिसाइड वॉट टू डू विद इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके पास बहुत सारी इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसका क्या करना है ये भी पहले डिसाइड करना पड़ेगा। कोड द टेक्स्ट, उसके बाद हम अपनी टेक्स्ट की कोडिंग करेंगे और फिर अपने रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। तो देखने में सिंपल लग रहा है बट ये भी कॉम्प्लेक्स है, जबकि लग रहा है कि हमको सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी देखनी है, सिर्फ गणना करनी है, सिर्फ बारंबारता देखनी है कि वो पर्टिकुलर वर्ड सेंस फ्रेज सेंटेंस या थीम कितनी बार आया। रिलेशनल एनालिसिस, ये कंसेप्चुअल एनालिसिस से वन स्टेप अहेड है, शुरू वहीं से होता है, मतलब ये तो देखना ही पड़ेगा कि कितनी बार आया, लेकिन इट बिगिन्स लाइक कंसेप्चुअल एनालिसिस। कंसेप्चुअल एनालिसिस की तरह ही शुरुआत है, बट यहाँ कंसेप्ट चूज कर लिया उसके बाद क्या करेंगे। हाउएवर द एनालिसिस इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन कंसेप्ट्स, सिर्फ ऐसे थोड़ी कि बस हमको गणना करके रख देनी है कि हाँ 1000 बार ये शब्द आया और हमारी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, ये देखना है कि वो जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं उनके आपस में क्या संबंध है, किस संबंध के तहत यूज हो रहे हैं। इंडिविजुअल कंसेप्ट्स आर व्यूड एज हैविंग नो इनहेरेंट मीनिंग एंड रादर द मीनिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स अमंग कंसेप्ट्स, है ना। एक अपने आप में उसका कोई अर्थ नहीं होगा, बल्कि क्यों अर्थ होगा, उसका अर्थ निकल के अर्थपूर्ण बात तब निकल के आएगी जब हम उसका आपस में अंतर संबंध देखेंगे। तो इसके तीन सब कैटेगरीज होती है रिलेशनल एनालिसिस के। इस पे बहुत सारा मैटर है, लेकिन बहुत सारा मैटर पीपीटी में नहीं डाला जा सकता। एफेक्ट एक्सट्रैक्शन, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस और कॉग्निटिव मैपिंग, ये तीन सब कैटेगरीज हैं रिलेशनल एनालिसिस के तहत। इफेक्ट एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, एन इमोशनल इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लिसिट इन ए टेक्स्ट, इसमें हम इमोशनल इवैल्यूएशन करते हैं कॉन्सेप्ट्स का कि किससे किसका क्या रिलेशनशिप है। फिर प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस की आपस में क्या संबंध है, एन इवैल्यूएशन ऑफ द
co-occurrence of explicit concepts, है ना, यानी कि जो concept हमने चुना है वो कितनी बार साथ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, एक दूसरे को प्रभावित किस तरीके से कर रहा है, और cognitive mapping, दिमाग में चल रहा है आपके नक्शा क्या, a visualization technique for either effect extraction or proximity analysis, कि हमको क्या करना है, किस तरह से, किस दिशा में हमको अपनी रिसर्च को, एनालिसिस को ले जाना है, तो ये सारा कुछ संज्ञानात्मक होगा, तो cognitive mapping, तो extraction पहले हमको effect करना है, फिर हमको proximity analysis देखनी है, और फिर cognitive mapping के तहत relational analysis चलेगी। तो इसकी जनरल स्टेप्स क्या है, जनरल स्टेप्स फॉर कंडक्टिंग रिलेशनल एनालिसिस, सबसे पहले तो डिटरमाइन द टाइप ऑफ एनालिसिस, पहले आप तय कीजिए कि आपको कौन सी एनालिसिस करनी है, फिर रिड्यूस द टेक्स्ट टू कैटेगरीज एंड कोड फॉर वर्ड्स और पैटर्न्स, फिर हमारा जो टेक्स्ट है उसको हमको कैटेगरी में रिड्यूस कर देना है कि कौन सी एक तरीके की कैटेगरी है, कहाँ वर्ड है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका टेक्स्ट, फिर एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स, फिर जो कॉन्सेप्ट हमने चुने हैं उनके बीच का हमको रिलेशनशिप देखना है, कैसे देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, वो जो दो शब्द या दो कॉन्सेप्ट आपके हैं उनके बीच का रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है, साइन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, अच्छा है बुरा है, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है, एक साथ जा रहे हैं कि एक दूसरे के विरोध में है, फिर कोड द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की फिर कोडिंग करेंगे कैसे, अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्चुअल एंड रिलेशनल एनालिसिस इज दैट द स्टेटमेंट्स और रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट्स आर कोडेड, यानी वहां पे हमको सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मतलब था, यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी के बाद हमको देखना पड़ता है कि आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, उसके बाद इसमें सांख्यिकीय गणनाएं की जाएंगी, और लास्ट में क्या होगा, मैप आउट रिप्रेजेंटेशन सच एज डिसीजन मैपिंग एंड मेंटल मॉडल्स, तब जाके रिलेशनल एनालिसिस का काम कंप्लीट होता है। तो रिलायबिलिटी वैलिडिटी कैसे कंटेंट एनालिसिस की चेक की जाए भाई, है ना, बिना उसके तो काम चलना नहीं रिसर्च में, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन नेचर ऑफ रिसर्चर्स कोडिंग एरर्स कैन नेवर बी एलिमिनेटेड, कभी भी आप इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम कैसे कोड कर रहे हैं, आप कैसे कोडिंग कर रहे हैं, कैसे एक जैसे होगा, बट ओनली मिनिमाइज, लेकिन हम कम कर सकते हैं उसको। तो तीन उन्होंने क्राइटेरिया मानदंड चुन दिए हैं कि अगर आप इनके तहत काम करते हैं, इनके हिसाब से, तो कहा जा सकता है कि ये रिलायबल है। कैसे, स्टेबिलिटी, द टेंडेंसी फॉर कोडर्स टू कंसिस्टेंटली रिकोड द सेम डेटा इन द सेम वे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपने कोडिंग की, फिर हम किसी और कोडर से अगर उसकी कोडिंग कराएं, तो फिर उसको उसी हिसाब से अगर रिकोड करता है, तो इसका मतलब कि ये रिलायबल है, स्टेबिलिटी है इसमें। रिप्रोड्यूसिबिलिटी, द टेंडेंसी फॉर ए ग्रुप ऑफ कोडर्स टू क्लासिफाई कैटेगरीज मेंबरशिप इन द सेम वे, यानी कि हम दोबारा से रिप्रोड्यूस करके अगर सेम रिजल्ट देते हैं, यानी कि एक दूसरा कोडर्स का ग्रुप भी उसी तरह से कैटेगरी क्लासिफाई करे उस टेक्स्ट की, इसका मतलब कि रिप्रोड्यूसिबिलिटी है और ये रिलायबल है। और एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का क्या मतलब है, द एक्सटेंट टू विच द क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू ए स्टैंडर्ड और नॉर्म स्टैटिस्टिकली, यानी कि बाद में हमको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करनी थी ना, तो जो टेक्स्ट का क्लासिफिकेशन है उससे अगर एक ही तरीके के स्टैंडर्ड या नॉर्म्स निकल कर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक्यूरेट है। तो इतना अगर किया जाए तो कहा जा सकता है कि कंटेंट एनालिसिस में रिलायबिलिटी है, अगर वो स्टेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी और एक्यूरेसी को फॉलो करता है। फिर वैलिडिटी, कैसे पता चलेगा कि ये वही चीज नाप रहा है जिसको नापने के लिए, मतलब वही कंसेप्ट नाप रहा है, तो तीन क्राइटेरिया इसमें भी है, क्लोजनेस ऑफ कैटेगरीज, कंक्लूजन और जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स टू अ थ्योरी। क्लोजनेस ऑफ कैटेगरीज में क्या होगा, दिस कैन बी अचीव बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल क्लासिफायर्स टू अराइव एट एन एग्रीड अपॉन डेफिनेशन ऑफ ईच स्पेसिफिक कैटेगरी, यानी कि जो हमने कैटेगरी बनाई है अपने टेक्स्ट में, अगर हम बहुत सारे क्लासिफायर को भी लेकर आए, तो वो सेम अगर एक डेफिनेशन पे तय हो जाए कि हाँ ये कैटेगरी की ये डेफिनेशन ठीक है, तो इसका मतलब ये वैलिड है। कंक्लूजन, वॉट लेवल ऑफ इम्प्लीकेशन इज अलाउबल, डू कंक्लूजंस करेक्टली फॉलो द डेटा, आर रिजल्ट्स explainable by other phenomena? अगर हम सेम कंक्लूजन पे निकलते हैं दो या दो से अधिक मल्टीपल कोडर, तो कहा जा सकता है कि ये वैलिड है। इसीलिए कंप्यूटर की एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस में मुश्किल होती है, क्योंकि वो ये सब विदिन दी बिटवीन दी लाइन्स नहीं पढ़ पाता है कंप्यूटर, मतलब बहुत हाईटेक हो तो आई कांट से, है ना। फिर जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स टू अ थ्योरी, कैसे हम जो रिजल्ट निकल के आ रहे हैं उसको एक थ्योरी के रूप में जनरलाइज कर सकते हैं, डिपेंडेंट ऑन द क्लियर डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट कैटेगरीज, जो कैटेगरी की हमने डेफिनेशन बनाई कि इस तरीके की चीज़ें इस कैटेगरी में आएंगी, इस तरीके की चीज़ें इस कैटेगरी में आएंगी, अगर वो इस तरीके एकदम क्लियर है, यानी कि डिफरेंट कोडर भी वही निकाल के दे रहे हैं, तब तो वैलिड कहा जा सकता है। हाउ दे आर डिटरमाइंड, हाउ रिलायबल दे आर एट मेजरिंग द आइडिया वन इज सीकिंग टू मेजर, है ना। तो इतना हमको श्रम करना पड़ेगा इसमें। फिर एडवांटेजेस, एडवांटेजेस बहुत सारे दिख रहे हैं कि डायरेक्टली एग्जामिन कर सकते हैं आप कोई कम्युनिकेशन टेक्स्ट को, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में यूज हो सकता है, वैल्यूएबल हिस्टोरिकल या कल्चरल इंसाइट निकल के आ सकती है, कॉम्प्लेक्स मॉडल ऑफ ह्यूमन थॉट और लैंग्वेज यूज में हमको इंसाइट मिल सकती है, अंडरस्टूड है जनरली इजिली, पावरफुल टूल है,
अनऑब्ट्रूसिव डेटा कलेक्शन है ना, जैसे पहले भी आपको बताया कि इसमें आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट से बात नहीं करनी है, इसलिए आपका बायस उसको इफेक्ट नहीं करेगा। हम डेटा को कहीं प्रभावित करने नहीं जा रहे हैं, पार्टिसिपेंट को प्रभावित नहीं करने जा रहे हैं, कोई इसमें बायस नहीं है, हमारी प्रेजेंस कहीं इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, क्योंकि हम डायरेक्ट सब्जेक्ट से डेटा नहीं ले रहे हैं, बल्कि डेटा की एनालिसिस कर रहे हैं जो हम कहीं का रिकॉर्डेड डेटा है। तो ये एक सबसे खास बात है इसकी, लेकिन बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, जैसे एक्सट्रीमली टाइम कंज्यूमिंग। आप समझ सकते हैं कौन सा शब्द कितनी बार आया, क्या मायने हैं, स्ट्रेंथ क्या है, डायरेक्शन क्या है, साइन क्या है उनके रिलेशनशिप का। सब्जेक्ट टू इंक्रीज रहेगा, जितना ज्यादा आप मेंटल वर्क एंड फटीग ना फटीग हुआ उतना ज्यादा आप गलतियां करेंगे। ऑफन डिवॉइड ऑफ ए थियोरेटिकल बेस, इसका कोई ऐसा थियोरेटिकल बेसिस भी नहीं है। इनहेरेंटली रिडक्टिव है, मतलब हो सकता है कि लास्ट में जो पूरा डेटा कुछ शब्दों में आके थम जाए कि ये शब्द था इतनी बार आया, तो ये ओवरली रिडक्टिव है ये। और टेंड्स टू ऑफन टू सिंपली कंसिस्ट ऑफ वर्ड काउंट्स, कहा जा रहा है ना कि हो सकता है मतलब इतना स्किल्ड नहीं है अगर रिसर्चर, तो सिर्फ वो निकाल के दे देगा कि इतने बार ये शब्द आया है, उससे क्या आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करेंगे। एंड कैन बी डिफिकल्ट टू ऑटोमेट और कंप्यूटराइज, इसीलिए इसका ऑटोमेशन और कंप्यूटराइजेशन मुश्किल है, क्योंकि बहुत से शब्द किस अर्थ में प्रयोग किए जा रहे हैं, बार बार वो शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है, पर कंप्यूटर तो सिर्फ आपको काउंट करके बता देगा ना। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके साथ, बट इसके बावजूद ये बहुत एक अच्छी एक पॉपुलर मेथड है ना रिसर्च का। डेवलपिंग द कैटेगरी सिस्टम टू क्लासिफाई द बॉडी ऑफ द टेक्स्ट इज द हार्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस, यानी कि अगर हमको बढ़िया कंटेंट एनालिसिस करनी है तो हमको कैटेगरी सही बनानी होगी। बर्सलेन राइटली पॉइंट्स आउट कि कंटेंट एनालिसिस स्टैंड्स और फॉल्स बाय इट्स कैटेगरीज, सिर्फ कैटेगरी के दम पे ये उठ सकता है गिर सकता है, मतलब हमको कैटेगरी सही बनानी है। पर्टिकुलर स्टडीज हैव बीन प्रोडक्टिव टू द एक्सटेंट दैट कैटेगरीज वर क्लियरली फॉर्मुलेटेड एंड वेल अडैप्टेड टू द प्रॉब्लम इन द कंटेंट, यानी कि कैटेगरीज अगर क्लियरली बनाई गई हैं, वेल अडैप्ट है प्रॉब्लम के लिए, तो बढ़िया रहता है। अकॉर्डिंग टू चैडविक एट अल, कैटेगरीज मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सो दैट ए वर्ड, ए पैराग्राफ और ए थीम बिलोंग्स इन वन एंड ओनली वन कैटेगरी, मतलब हमको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरी बनानी है। ऐसा नहीं है कि एक वर्ड हर कैटेगरी में चला जा रहा है तो फिर उसके अर्थ कैसे निकाले जाएंगे। समटाइम्स मिसेलेनियस और रेजिडुअल कैटेगरीज एडेड फॉर यूनिट्स दैट अकर रेयरली और आर अनकोडेबल फॉर अदर रीजंस, यानी कि कभी कभी हमको मिसेलेनियस या रेजिडुअल कैटेगरी भी बनानी पड़ेगी, यानी कि जो शब्द किसी कैटेगरी में नहीं जाएगा उसको उसमें डाल देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि कैटेगरी फॉर्मेशन अगर हमको बढ़िया आ गया कंटेंट एनालिसिस में करने, तो ये एक बहुत अच्छी विधि हो सकती है। ओके, दिस वन ऑल्सो डन। Okay, thank you and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education and join my Telegram group too. Okay, done from my side.